वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आपका अपने YouTube चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कि DSSSB DOE PRT की वैकेंसी निकली हुई है, उस एग्ज़ाम को कैसे आपको टारगेट करना है, कैसे अप्रोच करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ें देखिए, ये चीज़ें क्लियर है आपके पढ़ने का, कौन सी आप किताब पढ़ते हैं, कौन सी चीज़ से आप क्या चीज़ें प्रेफर करते हो, आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, वो एक आपका अपना यूनिक तरीका है। यानी मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मेरे माध्यम से जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। मैं एक आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि आपको चीज़ों को किस प्रकार करना है। देखिए, ये 100 मीटर की दौड़ है, इसमें आपको पूरा का पूरा जोर लगाना है, ठीक है। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भाई आप बायोलॉजी भी पढ़ते होगे, सबके अलग एक अलग DNA है जो एक आपको एक अलग करेक्टर देता है, ठीक है। किसी में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, किसी में कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। तो आपको आपको आपकी पॉजिटिविटी भी पता है, नेगेटिविटी भी पता है, आपको उसी हिसाब से एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। मैं एक आपको ओवरऑल एनालिसिस बता देता हूँ कि किस प्रकार आपको एग्जाम को टारगेट करना है। देखिए, इसमें बिल्कुल मैं क्लियरली आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कोई परहेज करता है बताने के लिए मैं क्लियर तौर पर बता देता हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम ये दिया था, मेरे फर्स्ट पार्ट में 75 के आसपास स्कोर हुआ है। मेरा फर्स्ट पार्ट में मेरे 75 के आसपास स्कोर हुए हैं, जबकि दूसरे पार्ट में मेरे 50 प्लस स्कोर नहीं गया है। क्योंकि सेकंड पार्ट है उसमें मेरा 50 प्लस स्कोर नहीं गया है, ये एक रियलिटी है। अभी बात करेंगे कि इसमें मेरी क्या क्या कमी थी और किस किस चीज़ों को आपको उसको ठीक करना है। और इसमें मैंने 75 प्लस ही स्कोर किया हुआ है, तो वो 75 प्लस स्कोर कैसे किया है और आप कैसे उसको 80 या 85 भी कर सकते हो, उसके बारे में बिल्कुल डीपली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताया कि DSSB DOE के आपको दो पार्ट में आता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट वन में आपको मेनली 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 20-20 क्वेश्चन ईच होते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, वो आपको रीजनिंग आएगी उसमें, GS आएगी, मैथ आएगी, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। आप इनमें 1x1 करके पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आपको कहाँ से करना है। देखिए, रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्डाइज कोई भी बुक उठा लीजिए और वहाँ से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। रोज का की कोशिश करिएगा कि रोज का एक चैप्टर आप फिनिश करें, रोज का एक चैप्टर आप फिनिश करें। अब बात करते हैं GS के बारे में, ठीक है। GS को बाद में देखेंगे। हिंदी में आप लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदी के जहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट होगा वो भी लगाइए। अब की बारी जो कि हिंदी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज होता जा रहा है, जैसे पहले संधि और ये पूछे जा रहे थे, पूछे अभी भी जा रहे हैं, लेकिन इनके परसेंटेज बहुत ही कम हो गया है। अब जो आपकी ग्रामर है उस पे ज़्यादा फोकस करने लग गई हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और ये जितने भी विस्मयादिबोधक, इन इस टाइप की जितने भी चीज़ें हैं, यानी आपको ग्रामर भी व्याकरण भी ऐसा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी। इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में जो लिंक टू पैरामाउंट की वॉल्यूम नंबर 1 आती है, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को अच्छे से करिए, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करिए, वहीं से ही आप अपनी वकैब को स्ट्रॉन्ग कीजिए, राइट। मैं हिंदी हो गया है, इंग्लिश हो गया है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ जो कि 20 मार्क्स का आता है, इसके लिए आप या तो RS जो कि अग्रवाल की मार्केट में किताब आते हैं वहाँ से लीजिए, और केवल आपको अर्थमेटिक ही करना है, अर्थमेटिक के अलावा कुछ नहीं करना। या इसके अलावा प्लेटफॉर्म की मैगजीन टाइप किताब आती हैं पतली पतली, उनकी अर्थमेटिक की 5 किताब आती हैं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक के 400-500 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ये जो प्लेटफॉर्म की जो आपको किताब है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अवेलेबल और ऑनलाइन और नॉट, बट ये आपको केवल मुखर्जी नगर पे ही ऑफलाइन मिलने की संभावना है, वहाँ तो ये 100% मिलेगी, बिल्कुल मुखर्जी नगर ही मिलेंगी ये प्लेटफॉर्म की मैगजीन जो आती हैं, राइट। अब बात करते हैं कि GS को कैसे टारगेट किया जाएगा। देखिए, GS के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा हर एक चीज़ के ऊपर, और करंट अफेयर के लिए आपको कैसे करना है, करंट अफेयर के लिए आपको जो कि स्टडी वाईफाई नाम से एक चैनल है, वाईफाई स्टडी, आपको वहाँ पे जाके सुबह 5 o'clock वहाँ पे एक सेशन आता है, आप वो भी एक 8 मिनट का सेशन है, वहाँ से देखेंगे तो आपकी करंट अफेयर बिल्कुल कंप्लीट तौर पर तैयार हो जाएगी। तो ये है पार्ट 1, और इसमें आपको क्या करना है, एक या दो बार आप यानी अभी क्या है, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर और नवंबर
आप अपने आप को ये पार्ट बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो मस्ट है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें से 70+ आराम से स्कोर कर जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा यानी हमें प्रैक्टिस करनी है, यानी आपको अक्टूबर आपने काम किया, नवंबर किया, दिसंबर में आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है इनकी, राइट। और जो आपके मार्क्स यहाँ पे कम आते हैं जिस टॉपिक में, उसको बार बार रिवाइज करना है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी में मेरे 50 मार्क्स के आसपास या 50 से नीचे रहे हैं, 45-50 के बीच में रहे हैं। उसके पीछे मेन रीजन क्या है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कंटेंट आपसे कहाँ कहाँ से लेना है। देखिए आप TN की किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, इनकी 3 वॉल्यूम आती हैं। इसके बाद आपको सरोहा नाम से भी मैगजीन मिलेंगी, सरोहा की किताब होंगी, ठीक है, साइकोलॉजी की, वो ले सकते हैं, वो ले लीजिएगा, ले सकते नहीं ले लीजिएगा, और आपकी श्रद्धा है। NCF 2005 मस्ट है, आपको परचेज करना पड़ेगा NCF। डाइट की किताब हो या NIOS की, थिंग रिमेन सेम। देखिए पिछली बार फैक्ट NIOS से बिल्कुल उठाए गए थे जो कि डाइट से नहीं थे, लेकिन डाइट के बंदों का भी सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने NIOS नहीं पढ़ा था। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 11th 12th की आपको NCERT लेनी पड़ेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जो कि मैंने जो कि पिछले एग्जाम में मिस्टेक की थी, वो थी प्रैक्टिस सेट। आपको देखिए साइकोलॉजी आपको आ गई, सारी चीज़ होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, हम कई बार उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते, वो इम्प्लीमेंटेशन होगी आपकी प्रैक्टिस सेट से। मार्केट में काफ़ी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के भी आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कोर्स मैं भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपको रोज के 100 क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन नहीं तो मिनिमम 50 क्वेश्चन तो आज से ही आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो वो आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकती है। आप 70 यहाँ से स्कोर कर सकते हो और 65 यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, टोटल आपका स्कोर 135+ होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 130+ तो एटलीस्ट स्कोर चाहिए ही चाहिए इसमें सिलेक्शन होने के लिए, बाकी पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने किसी चीज़ की कोई मार्केटिंग नहीं की, मैंने आपको रियली सारी चीज़ें को एक्सप्लेन किया है, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ भाई आप सभी यूनिक हो, आपका वर्कआउट करने का तरीका अलग है, कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई इवनिंग रात को इवनिंग तक पढ़ना पसंद करता है। अभी जैसे कि रात के 2 बजे हुए हैं और मैं आपके सामने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबका वर्क करने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो आप उसी पे कंसीडर कीजिएगा, एक आराम से एक सॉलिड स्ट्रेटेजीज बनाइए। मेनली स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता दी गई हैं कि किस प्रकार आपको कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस प्रकार कहाँ से आपको अप्रोच करनी है, बाकी आपकी भी है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें बुक पढ़ी हुई हैं, कहाँ से आपको पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन स्मार्ट स्टडी कीजिए, ऐसी स्टडी नहीं कीजिए कि अननेसेसरी चीज़ों को आप पढ़ते जा रहे हो। आपने काफ़ी किताब पढ़ दी लेकिन आपको बाद में पता लगा कि ये तो 2 किताबों का ही मामला था, ठीक है। तो बेसिकली अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिएगा, ठीक है। 100 मीटर भागना है तो एक इक्विवेलेंट स्पीड में। दूसरी बात, ऐसा ना हो कि आपका जो पढ़ने का तरीका है ग्राफ ऐसे नहीं जाए, यानी आज 10 घंटे पढ़ लिए, यहाँ पे 12 पढ़ लिए, यहाँ पे 1 पढ़े, यहाँ पे आप पढ़े ही नहीं, ऐसे ग्राफ नहीं जाना चाहिए। आपका ग्राफ जो कि पढ़ाई का है, ये डेज है, ये टाइम है, ये ऐसे कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। चाहे आप 8 आवर्स पढ़े डेली, लेकिन रोज ही पढ़ना है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।